नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं, व्यापारी बर्बाद हो गए और कोरोना और कोविड के नाम पर जो मदद होनी चाहिए थी, जब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, तब गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लोग भागते रहे दवाई के लिए, अपनी तकलीफ को कैसे कम करें उसके लिए, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की। और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का भी राज आ जाएगा। हत्याएं, लूट, अपहरण, और मुख्यमंत्री के खुद जिले में सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। जब जब मुख्यमंत्री जी अपने जिले में जाते हैं, वापस लौट के आते हैं, कोई ना कोई बड़ी घटना हो जाती है। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई। इसलिए मुझे खुशी है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के रास्ते पर चलना चाहती है, खुशहाली के रास्ते पर चलें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके जुड़ जाने से समाजवादी पार्टी को और ताकत मिलेगी और मजबूती मिलेगी। एक बार फिर आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली।